चलिए ठीक है। सो क्लास स्टार्ट करते हैं क्या? सारे बच्चे आ गए हैं भाई, स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है। यस मैम। मोहित कुमार को क्या दिक्कत आ गई है भाई? मोहित कुमार ने क्या इमोजी भेजी है? कुछ सोच रहे हैं लग रहा है। ठीक है चलिए। शायद ओके, सोच रहे होंगे कि कब क्लास स्टार्ट होगा, कब से मैं आके बैठा हुआ हूँ। पहले। थैंक यू। यस मैम। ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड लेक्चर है आज। यस मैम। यस यस मैम। आप लोग तो यस यस बोल रहे हो, ये भी यस बोले तब ना। हाँ ये भी यस बोल दिया। चलो ठीक है। सो चैप्टर का नाम तो सभी वाकिफ है भाई, हमारा है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। द किंग है ना, ये तो किंग है। और आज का टॉपिक क्या होने वाला है आपका? टॉपिक होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस डेट है आज का 26 अगस्त, 26 अगस्त 2023। 2022 में तो मैं नहीं जाऊंगी, 24 में भी नहीं जाऊंगी, 23 में ही रहूंगी। ये हमारा लेक्चर नंबर 2। ये सारी चीजें फिल करने में बड़ा मजा आता है ना क्लास से पहले, और फिर जैसे ही यस क्लास मैम। शुरू हो जाता है तो यस थोड़ा मजा कम होने लगता है। फिर टॉपिक्स आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक है हमारा, तो चलिए आज को ऑब्जेक्टिव यही सेट किया है मैंने। दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज तो पढ़ेंगे ही जैसे कि मैंने आपको बताया। दूसरी चीज है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या है, थोड़ा इसको सस्पेंस बना के रखती हूँ मैं। सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है नाम, पाइथागोरियन मतलब पाइथागोरस से ही रिलेटेड है ये। देखते हैं आगे क्लास में कि ये होता क्या। तो बात आती है जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस की, तो ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में क्या बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री को? हाँ पता पता नहीं, हाँ लास्ट क्लास में तो लिखा था ना, हमने भूल गए, मुझे तो याद दिला दो। चलिए, अनुपात, रेशियोज मतलब तो अनुपात होता है, हम सभी को पता है। यस मैम। और रेशियो हम लोग, यस मैम। कब निकालते हैं? जब समथिंग अपॉन समथिंग होता है तो उसको हम लोग ऐसे दो बिंदु डाल करके रेशियो लिखते हैं। सपोज 3:4 है ना, तो मैं ऐसे करके कुछ मैम लूंगी। हाँ क्या, मैम निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति? अच्छा मैम ज्यामिति। ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, अच्छा ठीक है। निर्देशांक मैम त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। सब अलग मैम ही अलग हो। मैंने बुक में तो निर्देशांक ज्यामिति लिखा है वैसे। यस कुछ भी लिखते हैं, चलिए आप लोग समझ तो गए हो ना। त्रिकोण मैम। के बाद यस मिट्टी की मैम। नीति। मिट्टी। मैम ठीक मिट्टी। मैम मिट्टी। है, त्रिकोण मिट्टी, ठीक है चलिए, ऐसा ही कुछ है हमारा। तो बेसिकली हमको नाम में उतना जाना नहीं है, कौन सा जो हमारा यहाँ पे कोई प्राइज मिलने वाला है 1-2 हजार का, कि नाम सही बता दो तो प्राइज दे देंगे। तो चलो मेनली रेशियोज। अच्छा, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री किस पे टिका हुआ है बच्चों? मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था, ट्रायंगल पे, ट्रायंगल त्रिकोण पे टिका हुआ है। यस, ट्रायंगल पे भी एक बहुत ही अच्छा सा शब्द उसके लिए क्या है, राइट ट्रायंगल पे। तो हमारा राइट ट्रायंगल होता है 90 डिग्री का, और मैं इस ट्रायंगल को एक नाम दे दूंगी। तो मैं नाम क्या दे दूंगी इसको, मैंने ए दे दिया, ओ दे दिया और बी दे दिया, ठीक है, और ये थीटा दे दिया। या फिर आप शुरुआत नीचे से भी कर सकते हो,
एओ बी भी लिख सकते हो, कुछ भी नाम दे दो, एओ बी, बस नाम को लेके मुझे बहुत ही सतर्क रहना है, जो मैं नाम दूंगी उसी के हिसाब से मैं रेशियोस निकालूंगी। ये हो जाएगा मेरा बेस, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि पी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि पी, और ये क्या हो जाएगा मेरा हाइपोटेन्यूज। इसको तो हम लोग सपने में भी भूल नहीं पाएंगे, है ना, सपने में भी आ जाएगा हमारे। तो अब यस, तो राइट ट्राइंगल जो 90 डिग्री का हमारा होता है, उसी से हम लोग क्या जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, रेशियोज जानते हैं। वो कैसे जानते हैं मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, ठीक है। थीटा मतलब क्या होता है, थीटा है हमारा एंगल, यानी कि कोण, और कोण तो आपको पता है एक्यूट भी होता है, ऑब्ट्यूज भी होता है, और राइट भी होता है ना, बहुत सारा होता है। यस मैम, यस। तो अब मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बताने वाली हूँ बच्चों, एक एक करके बताऊंगी, आप लोग आराम से देखना, ध्यान से देखना। तो पहला मैं आपको बताऊंगी क्या इसमें, उससे भी पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ, चलिए उससे भी पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो तो आपके अनुपात होते हैं ना, रेशियोज होते हैं, वो क्या होते हैं एक्चुअल में, वो होते हैं साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, कॉस थीटा, ये सब नाम है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सीक थीटा और कॉट थीटा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए। अब मैं आपको इसका एक बहुत ही मजेदार सा ट्रिक सिखाती हूँ। अब आप बोलोगे मैम ट्रिक क्या है, तो चलिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, इन सारे रेशियोज का एक ट्रिक होता है। है ना, बहुत अच्छे से मैंने डब्बा बना लिया। अब डब्बे बनाने के बाद उसमें मैंने क्या किया, 6 रेशियोज होते हैं, तो मैंने 6 पार्टीशन कर दी, 1 2 3 4 5 6। अब मेरे साथ सभी बोलेंगे, बोलिए पंडित, 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 बद्री, बद्री, प्रसाद, प्रसाद, पंडित, बद्री, प्रसाद, पंडित, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और उसके बाद मैं आप जैसे जैसे मैं बना रही हूँ वैसे वैसे आप भी बनाओगे। पहले मैं लिखूंगी साइन थीटा, ठीक है, पी के ऊपर लिखा मैंने साइन थीटा, फिर मैं लिखूंगी कॉस थीटा, फिर मैं लिखूंगी टैन थीटा, ठीक है। अब नीचे में क्या लिखूंगी, बाकी के बचे हुए, यानी कि कोसेक थीटा और सीक थीटा, और यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, कॉट थीटा। तो यस, ये टेबल आपको 10th क्लास में भी काम आएगा, 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा, जब तक मैथ्स पढ़ोगे तब तक आएगा, इस टेबल को याद रख लेना, ये है आपका वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, यहाँ से तो मैंने टेबल देख लिया, बस इसको याद ही रखेंगे। उसके बाद हमारा ये क्या होता है, एक एक फॉर्मूला निकल कर आता है, ठीक है, क्या फॉर्मूला निकलता है, अब मेरा रेशियो कैसे होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रहता है, तभी तो मैं इसको रेशियो में लिखती हूँ। तो मेरा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, कॉस का होता है बी अपॉन एच, टैन का होता है पी अपॉन बी, उसी तरीके से मेरा कोसेक का हो जाएगा एच अपॉन पी, सीक का हो जाएगा एच अपॉन बी, कॉट का हो जाएगा बी अपॉन पी। मतलब जिनके जिनके आगे जो लिखा हुआ है वो ऊपर रहेगा और उसके नीचे वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा। यहां से जब शुरू करोगे तो ऐसा बनेगा, यहां से जब शुरू करोगे तो ऐसा बनेगा। समझ गए सारे बच्चे? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस। सारे बच्चे समझ गए, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस ट्रायंगल को लेकर ही आगे बढ़ूंगी। तो
ये वाला ट्रायंगल मुझे फिर से बनाना पड़ेगा अगले पेज में, क्योंकि यहाँ पे तो जगह नहीं है। कोई बात नहीं, बना देते हैं, क्या चला जाएगा, पूरा ट्रायंगल ही तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब राइट ट्रायंगल। यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। ये मैंने बना दिया जो है राइट ट्रायंगल, और इसका नेमिंग मैंने कैसे किया था, ए ओ बी थीटा, और ये आपका एंगल था, ये था बी, ये था पी, ये था एच। मैं एक एक करके फॉर्मूला स्टार्ट करती हूँ लिखना। तो पहला वाला मेरा मैं लिखूंगी कि आपका साइन थीटा, इसको बोलते कैसे हैं, इसको बोलते हैं साइन ऑफ द एंगल थीटा, ठीक है, इसको ऐसे बोला जाता है कि साइन ऑफ द एंगल थीटा, मगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलती हूँ साइन थीटा, तो आप लोग भी शॉर्ट फॉर्म में याद रखो साइन थीटा। अब इसको फॉर्मूला मैं इस ट्रायंगल से कैसे निकालूंगी कि मेरा होता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू, पूरा फॉर्मूला लिख के दिखा रही हूँ आपको, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन में मेरा क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में एक फॉर्मूला मैं बनाऊंगी, वो मैं लिखूंगी हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस या हाइपोटेन्यूस जो भी बोलो, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो ये हमको पता चला अपोजिट टू थीटा, मतलब क्या होता है बच्चों, थीटा के अपोजिट तो यही आता है ना और हाइपोटेन्यूस, मतलब इसका मेरे को फॉर्मूला क्या पता चल गया, साइन थीटा इज इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा क्या हो जाएगा, ओ ए, ठीक है, थीटा तो यहीं पे है, इसी वाले पे है ए पे, ओ ए अपॉन मेरा हो जाएगा ए बी, ठीक। यस मैम, देती हूँ ये एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड टू थीटा है, और ये हो गया है आपका अपोजिट साइड टू थीटा, ऐसे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ओके ठीक है, चलिए। यस मैम, ठीक है, सो अब आगे बढ़ जाते हैं साइन थीटा, और मैंने ये P अपॉन H हो गया, और मैंने आपको टेबल तो पहले ही बता दिया, वहां से भी तो P अपॉन H ही निकला ना, तो बात तो एक ही है, आप इस टेबल को ही याद रख लो, बहुत बढ़िया। और ट्रायंगल में ध्यान रखना कि P थीटा के अपोजिट होगा और H इधर होगा। अब उसी तरीके से मैं दूसरा फॉर्मूला अगर अपना लिखूं, तो मैं अब दूसरा थोड़ा डायरेक्ट डायरेक्ट लिखूंगी, ये क्या होगा भाई, कॉस थीटा, इसको मैं क्या बोलूंगी, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, तो मेरा हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा अपॉन हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, क्या पढ़ते हैं आप लोग, कोई हाइपोटोनस बोल रहा है, कोई हाइपोटेन्यूस बोल रहा है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है, टेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, ओके, ओए अपॉन एबी, यस, ओए अपॉन एबी, ये हो जाएगा आपका। अब थर्ड फॉर्मूला क्या है मेरा, पहला और दूसरा फॉर्मूला तो देख लिया मैंने, अब मैम अपने दोनों के फॉर्मूले एक ही लिख दिए हैं, क्या मैम अपने दोनों के फॉर्मूले एक ही लिख दिए हैं, फॉर्मूले कहाँ लिख दिए हैं, आप क्या कह रहे हो, मुझे आवाज क्लियर एकदम नहीं आ रही, मैम ऐसे बोल रहे आपने दोनों के फॉर्मूले लिख दिए हैं, कैसे, ओके, ओए अपॉन ए बी एंड ओए अपॉन ए बी को कह रहे हो, ओके ओके, तो ये बी हो जाएगा ना आपका, इसका अपोजिट साइड क्या है, ये बी हो जाएगा, ठीक है, अभी
यस मैम। इसका होता है पी अपॉन एच, और अगर ये एडजेसेंट साइड को बोल रहा है तो इसका क्या हो जाएगा बताओ आप लोग? नीचे तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ऊपर क्या होगा? बेस। और आपने इस फॉर्मूला से भी पढ़ा है कि बी अपॉन एच होता है, तो बी आपका कहाँ पे है? एओ में है, यानी कि मैं नाम लिखूंगी ओ ए। एच आपका किस में है? ए बी में है, और ये है आपका ओ बी में। ठीक है, आप ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा मेरा टैन थीटा। इसको एक्चुअली हम लोग बोलते हैं टैंजेंट ऑफ एंगल थीटा, बट हम लोग टैन थीटा थोड़ा इजी पड़ता है हमें। तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिखूंगी अब? साइन अपोजिट टू थीटा, क्योंकि मुझे तो फॉर्मूला याद है। फॉर्मूले में मेरा ऊपर में क्या है? अपॉन मेरा टैन थीटा का फॉर्मूला है पी अपॉन बी। तो P upon B. आप लोगों की आवाज मुझे उतनी क्लियर नहीं आ रही थी, अभी आप लोग को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। यस मैम। आई सॉ नो। यस मैम। यस मैम। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हेलो बच्चों, आप लोग हो क्लास में? मैम यस मैम। शायद यस मैम। आप लोगों की आवाज आने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने पूछा। ठीक है, चलिए बस अब चैट बॉक्स में और मत डालिए, फिर से हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो सारे फॉर्मूलाज तो यही हमने पता कर लिए, पी अपॉन बी। तो टैन थीटा मतलब पी अपॉन बी क्या होगा? मेरा P मेरा है ऑपोजिट साइड टू थीटा, और B है एडजेसेंट साइड टू थीटा। यस, तो मैं नीचे क्या लिख दूंगी? एडजेसेंट साइड टू थीटा। साइड टू थीटा विच इज इक्वल्स टू, इसका क्या बनेगा अल्फाबेटिकल में? P ओवर B। ओके, OB अपॉन AB क्या बनेगा? OB अपॉन AB। AB। वाह वाह, मैंने AB बोला तो आपका AB AO बनेगा। AO, देख लो बच्चों। हाँ, देख कर बोलिए, विच इज इक्वल्स टू ये बनेगा P अपॉन B, है ना? ये तो ठीक है। चलो, साथ ही साथ सारे फॉर्मूलाज याद होते जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब आएंगे कोसेक पे, सीक पे और कॉट पे, तो डायरेक्ट उल्टा होता जाएगा। किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर लो आप लोग माइक प्लीज, जिनका भी ऑन है खुद से समझ लो ना। तो फोर्थ वाले में मैं क्या आऊंगी? कोसेक थीटा था ना मेरा फोर्थ वाला, ठीक है? अगर मैं कोसेक थीटे पे आती हूँ, और एक क्या था मेरा? सीकेंट थीटा, और एक क्या था? कॉट थीटा। तो टैन थीटा का कॉट थीटा, यस, टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो मैं पहले कॉट को ही लिख देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको बोलते हैं कॉटेंजेंट थीटा ऑफ द एंगल थीटा, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा। ये ज्यादा इजी है बताना। सो इसका फॉर्मूला होगा मेरा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, अब टैन का पी अपॉन बी होता है तो कॉट का बी अपॉन पी होगा। बी कहाँ था मेरा? साइड एडजेसेंट टू थीटा, नीचे की तरफ था बी। तो ये हो जाएगा बच्चों
साइड एडजेसेंट टू थीटा, और देन नीचे की तरफ में मेरा क्या आ जाएगा, ये आएगा साइड अपोजिट टू थीटा विच इज इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ओ बी. तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बताइए फॉर्मूला. ठीक है, ठीक है, इसका उल्टा बी अपॉन थी, बी अपॉन थी, यस बी. अब यस, अब फिफ्थ वाला हमारे पास क्या बचा, कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट ऑफ द एंगल थीटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा. तो इसका मेरा फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू, ये मेरा हो जाता है हाइपोटेन्यूस अपॉन, ये कितना हो जाता है बच्चों, साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू थीटा विच इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ओ बी विच इज इक्वल्स टू. फॉर्मूला क्या है इसका, क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने कोसेक का, ओके वेरी गुड. अब हमारे पास एक ही थीटा बचता है, वो है सीकेंट थीटा, जिसको हम लोग सीक थीटा भी बोलते हैं. तो सीकेंट ऑफ द एंगल थीटा, देखिए मैं आपको डायरेक्टली भी फॉर्मूला लिखवा सकती थी, मगर अभी आप ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सारे टर्म्स जानो. कल को कोई अगर पूछ देगा सीकेंट, तो आप लोग बोलेंगे सीकेंट हमने तो सीक पढ़ा था, तो मेरा काम है आपको पूरी चीज बताना, आपको जो इजी लगे वो बोलो. यस मैम. सीक थीटा इज इक्वल्स टू, अब ये कितना था भाई, कोई भी बता दे मुझे जरा, कोई भी बता दे मैम. हाइपोटेन्यूस ओवर अपोजिट साइड टू थीटा. ओके, बेस को बोलते क्या है, अपोजिट साइड टू थीटा विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा, ए बी हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट साइड मतलब ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी इक्वल्स टू कितना था ये मेरा, यही था. यस मैम. यस मैम. ठीक है. नो मैम. नो मैम. किसी ने नो भी बोल दिया. मैम अच्छपॉन बी. अच्छपॉन बी. एडजेसेंट साइड टू थीटा होगा. सीक का फॉर्मूला क्या है भाई, कोई पी बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, व्हाई सो कंफ्यूजन, एच अपॉन बी होगा ना, पी नहीं होगा, बी होगा. एडजेसेंट साइड टू थीटा होगा. एडजेसेंट साइड टू थीटा, यस. तो गलत लिखने के बाद आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो मैंने भी सोचा अब मैं गलत ही लिखूंगी ताकि आप लोग सही बोलोगे तो सही कर दूंगी, फिर नहीं बोलोगे तो फिर बाद में तो मैं करूंगी सही, गलत तो नहीं पढ़ा के छोड़ दूंगी ना आपको. ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला सही है, राइट, सारे बच्चे फॉर्मूला समझ गए. कोई भी अगर ये फॉर्मूला भूल जाता है ना तो ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा खत्म, इस फॉर्मूले को तो पक्का से याद रख लेना. अब आगे चलते हैं, मैं जरा कुछ और चीजें आपको, जो भी होगा आप लगा लेना बच्चों, फॉर्मूला तो पता चल गया ना आपको. यस मैम. लगा लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है, मेन फॉर्मूला सही पता चल गया. ठीक है, चलिए अब हम लोग एक और चीज जानेंगे, क्या, रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल में हम लोग क्या करते हैं, एक हमारे पास होता है न्यूमरेटर और दूसरा हमारे पास क्या होता है, डिनोमिनेटर. जब मैं न्यूमरेटर का रेसिप्रोकल बोलूंगी तो वो वन अपॉन डिनोमिनेटर हो जाएगा, रेसिप्रोकल. उल्टा करते हैं ना हम लोग रेसिप्रोकल, मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का. तो उसको कैसे किया जाएगा, तो मैं आपको बताती हूँ. जैसे कि होता है आपका कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन साइन थीटा,
फिर एक और हो जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा तो वन अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन कोसेक थीटा, फिर आपका आता है टेन थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है वन अपॉन कॉट थीटा, उसी तरीके से कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा वन अपॉन टेन थीटा, यस, फिर आपका आता है और क्या बच गया अपने पास सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन कॉस थीटा, कॉस का भी सीकेंट हो जाता है। अब कुछ और फॉर्मूलेस ध्यान से देखिए जो मैं आपको बता रही हूँ, फॉर्मूला मेरा ये है कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू आपका एक और फॉर्मूला बनता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच, कॉस थीटा क्या होता है बच्चों पी अपॉन एच, बी एच कैंसिल हो गया, अब आपको क्या मिला पी अपॉन बी, क्या पी अपॉन बी टेन थीटा होता है, इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारा सही प्रूफ हुआ है, यस पी अपॉन बी टेन थीटा, इसका मतलब फॉर्मूला इज करेक्ट। और एक क्या फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहती हूँ, सो आपका जो होता है कॉट थीटा इज इक्वल्स टू होता है वन अपॉन कितना होता है वन अपॉन टेन थीटा होता है, विच इज इक्वल्स टू ये कितना होगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये साइन अपॉन कॉस है तो ये कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। तो ये कुछ छोटे छोटे से अच्छे अच्छे से फॉर्मूलाज मुझे आपको बताने थे जो आपको याद रखना पड़ेगा। ओके चलिए, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आ गया, बट मुझे अभी आपको एक और चीज बतानी है, तो उसको बताने के लिए मैं क्या करूंगी एक स्लाइड ऐड कर लूंगी यहाँ पे, यस, अब मेरे पास बहुत सारी जगह हो गई है, ठीक है, अब मैं आपको क्या बताऊंगी, यस मैम, कुछ फॉर्मूलेस बताऊंगी मैं आपको, तो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा फॉर्मूलेस, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले से भरा हुआ है, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो अभी आपने देखा, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब मैं आपको बताती हूँ, राइट एंगल, नो, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, अगर थीटा एक एक्यूट एंगल है, अब एक्यूट एंगल में तो आप लोग समझते ही होंगे कौन कौन से एंगल्स आते हैं, यस 90 डिग्री से कम, ओके, सो इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अब आप लोग समझ गए कि 90 डिग्री से उसको माइनस कर देंगे, जितना एंगल होगा जो बचा हुआ होगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ रिलेशंस बता रही हूं, सो द रिलेशंस, द रिलेशंस ट्रू फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहला नंबर वन रिलेशन आपका आता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, वो जो आता है वो आपका हो जाएगा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है याद रखना। नंबर टू पे आपका क्या आता है, नंबर टू पे आता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा विच इज इक्वल्स टू आ जाएगा साइन थीटा, नंबर थ्री पे आएगा आपका tan 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका हो जाएगा जो है cot थीटा,
नंबर फोर पे आएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका हो जाएगा आपका सिक थीटा। यस, अब नंबर फाइव में यहाँ लाइन खींच के लिख देती हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे अरे, हमारा लाइन भी एकदम टेढ़ा हो गया, इसको जरा ठीक करते हैं लाइन को, वरना ये अच्छा नहीं दिखेगा। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, यस। तो फाइव वाले में क्या आएगा मेरा कॉट के बाद, अब क्या बचा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू आएगा सिक थीटा। यहाँ पे थोड़ा चेंज है, सिक्स वाले में क्या आएगा मेरा सिक 90 डिग्री माइनस थीटा विच इज इक्वल्स टू मेरा क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक है, ये सारे तो मेरे आ गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। एक मैं आपको एग्जांपल लेकर के दिखाती हूँ, क्या एग्जांपल लूंगी मैं, फाइंड द, हाँ आगे बोलो मैम। मैम कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के बाद क्या लिखा है, सेक थीटा, दिखाई दे रहा है ना, सेक थीटा लिखा है। अब यस मैम, यस यस, वेट। अब अगर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा भी सेक थीटा होता है और कोसेक 90 डिग्री थीटा भी आपका सेक थीटा होता है, कुछ गड़बड़ लग रहा है ना बच्चों। Yes, ma'am. हाँ, बाकी बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, जिन्होंने पढ़ा उन्होंने बताया, और वो भी थोड़ा डर डर के बता रही हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, tan का है ना, ये तो tan थीटा आ जाएगा। अब सही है कि नहीं, अब सही है ना। लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, मगर अब हमने ठीक कर लिया। यस स्टूडेंट्स पावर, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 65 डिग्री अपॉन कॉस 25 डिग्री। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मेरी राइटिंग पता नहीं कैसी होती जा रही है दिन प्रतिदिन, स्पीड लिखने के चक्कर में डबल डबल राइटिंग हो जाती है। अच्छे से लिखूंगी मैं साइन 65 अपॉन कॉस 25, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी बच्चों, मैं क्या जानती हूँ कि मेरा कॉस थीटा कितना होता है, यहीं पे तो फॉर्मूला लिखा है, कॉस थीटा होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो मैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे एंगल रख सकती हूँ साइन 90 डिग्री माइनस कितना 25 डिग्री रखूंगी मैं कॉस थीटा, तो मेरा कितना निकलेगा बच्चों, ये 90 माइनस 25 करके बता दो कितना होता है। और मेरा न्यूमरेटर में भी साइन 65 डिग्री है, देयरफोर साइन 65 डिग्री अपॉन साइन 65 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, कैंसिल हो जाएगा ना ये तो। तो हमने इस एग्जांपल से सीखा क्या बच्चों, हमने ये सीखा कि आपको एक वैल्यू दी गई है, ठीक है, एक डिग्री दी गई है थीटा 65 और एक दी गई है 25, और आपको इसकी वैल्यू निकालने को बोल रहा है, तो आप दोनों में रिलेट कर दोगे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है। बातें मत कीजिए आप अपने घर वालों से, चाहे आपस में, अभी बातें मत कीजिए, बाद में कीजिएगा। तो थीटा आप कॉस थीटा रखोगे, कॉस थीटा इक्वल्स टू है तो कॉस थीटा रख दोगे आप 25 डिग्री, ठीक है, ये आपका हो गया, एग्जांपल के थ्रू आपने देख लिया। अब चलते हैं कुछ आगे की तरफ। यस, तो आगे क्या है ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। यस, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होता क्या है, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, क्या है ये, कुछ नहीं है, ट्रिपलेट्स मतलब ट्रिपल, ठीक है। पाइथागोरस मतलब क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है ना आपने,
ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. अब सपोज कि आपको एक ट्रायंगल दे दिया है. मैं आपको बहुत ही आसान करके एग्जांपल समझाती हूँ. अब आपको एक ट्रायंगल दे दिया है और उसमें बोला है क्या, तीन एंगल्स दे दिया है ए ओ और बी, ठीक है, थ्री फोर फाइव. तो मैं इसको फाइव ले लेती हूँ, इसको फोर ले लेती हूँ, इसको थ्री ले लेती हूँ. तो अब तो आप निकाल दोगे ना. और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि साइन थीटा की वैल्यू निकालो, साइन थीटा निकालो, तो आप निकाल नहीं दोगे साइन थीटा. यहाँ से साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच होता है ना. यस मैम. तो पी की वैल्यू हो गई फोर अपॉन फाइव, आपका निकल गया. मतलब कि ट्राइंगल पे आपका जो भी दिया होगा, जो भी वैल्यूज दिए होंगे, आप उससे जो है इक्वेशन निकाल सकते हो. अगर पाइथागोरस में रखोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाते हो तो, ठीक है, तो 5 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 16 प्लस 9 कितना होता है 25. तो 25 ये तो कुछ मजा नहीं आ रहा ना. हम लोग का आपकी आवाज नहीं आ रही है. सबको नहीं आ रही है या एक को नहीं आ रही है? मैम आ रही है. मैम आ रही है. जिनको नहीं आ रही है वो अपना यस, जिनको नहीं आ रही है वो मोबाइल ठीक करे. अब सुनिए आप मेरी बात बच्चों. हम लोग पाइथागोरस अब निकालते हैं जब हमें कोई एक चीज फाइंड आउट करनी होती है और बाकी दो चीज दी हुई होती है, तभी तो हम लोग निकालते हैं. यहाँ पे तो सब कुछ दिया है, तो क्या मतलब है कि पाइथागोरस तो लगेगा ही नहीं अपना. यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है तो इसमें पाइथागोरस तो लगेगा नहीं. मतलब लगेगा क्या, लगेगा तो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इसी से आप फॉर्मूला से उसको निकालोगे जो वैल्यू होगी. तो अलग अलग वैल्यूज दिए गए हैं आपको, ठीक है, ये सारे अलग अलग दिए गए हैं तो इनका मतलब यही है, ठीक है. सब बच्चे समझ गए. अब जरा आगे बढ़ते हैं. यस मैम. यस मैम. यस मैम. हाँ, और चिल्लाइए और चिल्लाइए ताकि एक खास पड़ोस में सबको पता चले क्लासेस. यस यस मैम. यस. हाँ, अभी आपके पेरेंट्स आएंगे पीछे से कि क्यों इतना चिल्ला रहे हो भाई, बताओ, बोल देना. हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के बहुत खुश हो चुके हैं, इतनी खुशी की खुशी संभाले नहीं संभल रही है. अब बताइए आप लोग, अब मैं खुश होंगी, बताइए क्या करूं मैं. ट्रायंगल तो मैंने बना दिया, अब यहाँ पे क्या करूं मैं, बताइए. थीटा ले लूं, एंगल बना दूं, इसको एओबी भी ले सकते हो. चलो एओबी ले लो. क्या निकालना है, टैन थीटा और कोसेक थीटा हमें निकालना है. तो टैन थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा इक्वल्स टू दिया क्या है, कॉस थीटा. मतलब आपका कॉस थीटा इक्वल्स टू 3/5 और ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. तो मतलब ये क्या फॉर्मूला से इन्होंने 3/5 दिया है, बताइए जरा मुझे क्या फॉर्मूला होगा. कॉस थीटा का कोई फॉर्मूला होगा तभी ना ये वैल्यू आई होगी. कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b upon h. ये हो गया 3 क्योंकि ये हमारा b है. h क्या हो गया हमारा 5 क्योंकि ये h है. और p हमें पता नहीं है, मतलब p निकालना पड़ेगा. तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. जब तक आप लोग पी नहीं निकालोगे टैन थीटा कैसे बताओगे. टैन थीटा होता है पी अपॉन बी. कोसेक थीटा क्या होता है, अब मुझे पी तो चाहिए, मतलब पी निकालूंगी मैं. तो पी कैसे निकालूंगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी मैं. क्या लिखूंगी मैं, लिखूंगी आपका
AB square is equals to AO square plus OB square. AB square कितना है मेरा? 5 का square is equals to 3 का square plus OB square. 5. Okay. So. लेके 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हाँ तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओबी स्क्वायर तो ओबी इज इक्वल्स टू ये मेरा हो जाएगा 16 नहीं 5 का कितना होता है आपका 25 होता है ना 25 यस यस एम का 9 होता है यस मैं माइनस 16 प्लस 9 25 होता है तो मैं वो सोच रही थी 25 माइनस 9 तो OB आपको कितना मिल गया भाई 4 तो मतलब OB की जगह पे मैं 4 रख सकती हूँ आराम से तो मुझे P क्या मिल गया मुझे 4 मिल गया है मेरा P अब फॉर्मूला लगाया है तो tan थीटा का मैं क्या लिखूंगी आपका tan थीटा मेरा होता है P अपॉन B मतलब 4 अपॉन 3 cosec थीटा बताइए आप एक्सक्यूज मी मैम बताइए मैम बताइए मैम OB इज इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस 9 लिखा है तो क्या लिखूं 5 अपॉन 4 5 अपॉन 4 माइनस नहीं लिखूं तो क्या लिखूं समझे आप मैम नीचे 4 लगा के ऊपर स्क्वायर रूट कट गया क्या कट गया मैं समझ ही नहीं रही आपकी बात आप कुछ गलत ही समझ रहे हो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाया है जिसमें से ओ भी नहीं दिया था तो ए बी और ए ओ की वैल्यू दी थी तो इक्वल्स टू के इस तरफ जब 3 को लाओगे तो माइनस में ही तो आएगा ना 3 और ओ बी का स्क्वायर यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा ये तो ये हम सही कर रहे हैं ना बच्चों सारे बच्चे समझ रहे हैं यस मैम यस मैम आपको कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो ये हमारा हो जाएगा H है मेरा 5 और ये है मेरा कितना 4 5 अपॉन 4 यस cosec थीटा tan थीटा अगर मुझे क्वेश्चन ने तो नहीं पूछा बट मैं आपसे पूछ रही हूँ अगर मुझे sin थीटा की भी वैल्यू निकालनी होती तो मैं कितना निकालती जब तक बोलोगे नहीं क्लास आगे नहीं बढ़ेगी इसलिए जवाब दीजिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती फॉर्मूला क्या होता मैम पी तो ये होगा 4 अपॉन 5 आप लोग मुझे डायरेक्टली ये भी बोल सकते थे कि मैम कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता साइन थीटा बट आपने नहीं बोला कोई बात नहीं कोई बात नहीं बिल्कुल बात नहीं है अच्छा देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पे इतने सारे वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं साइन कॉस टैन कॉट सी कोसेक थीटा क्या करेंगे बच्चों हम लोग सबसे पहले यहाँ पर इतने सारे वैल्यूज निकालने के लिए मैम पहले पीएम की वैल्यू फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे पीओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पीएम स्क्वायर प्लस ओएम स्क्वायर PO स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PM PM मुझे पता नहीं है प्लस OM OM कितना है मेरा 12 का स्क्वायर तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 यस मैम माइनस 12 का होता है 144 इज इक्वल्स टू PM स्क्वायर यस अब आप लोग मुझे बताओगे कि पीएम इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 225 माइनस 144 कितना होता है बताइए माइनस करके 81 मतलब 9 का स्क्वायर होता है 81 मतलब ये वैल्यू आपको मिल गई है 9 अगर ये 9 मिल गई है तो हम सारे फॉर्मूला लगा के निकाल देंगे तो हमें 6 का 6 निकालना है तो चलिए साइन कॉस टैन कोसेक सीक एंड कॉट तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ आपका साइन थीटा इक्वल्स टू देन दूसरा आएगा आपका कॉस थीटा इक्वल्स टू देन तीसरा आएगा
टैन थीटा इक्वल्स टू, चौथा क्या है कोसेक थीटा इक्वल्स टू, उसके बाद पांचवा क्या है आपका सीक थीटा इक्वल्स टू, छठा है कॉट थीटा इक्वल्स टू। एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं, ये पी अपॉन एच, ये बी अपॉन एच और ये पी अपॉन बी, ये एच अपॉन पी, ये एच अपॉन बी और ये बी अपॉन पी। अब हमको यहाँ से देखना पड़ेगा, मतलब ये है मेरा पी, ये है मेरा बी और ये है मेरा एच। साइन थीटा मतलब पी अपॉन एच कितना होगा, 9/15। अब b अपॉन h कितना होगा भाई, 12/15। यस, और क्या है मेरा tan थीटा मतलब p अपॉन b मतलब 9/12। फिर h अपॉन p तो h क्या है मेरा 15/9। H upon B मतलब H कितना है मेरा 15/12। फिर ये कितना हो जाएगा B मतलब 12/9। यस, तो ये तो बहुत इजी था ना बच्चों, हमने बहुत अच्छे से कर लिया। यस मैम, यस मैम, यस। तो ये बहुत इजी था एंड बच्चों ने बहुत अच्छे से कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, अब ये हमें क्या बोल रहा है, ये हमें कह रहा है कि पहले तो हम एक ट्रायंगल बनाएं, ठीक है, राइट ट्रायंगल। तो हम एक राइट ट्रायंगल बना देंगे भाई, हमने एक राइट ट्रायंगल बना दी है और ये आपका हो गया है थीटा, ठीक है। और वो राइट ट्रायंगल का कोई नाम देना है ए बी सी। तो चलो, हाइपोटेन्यूस कितना है यहाँ पे, AC मतलब मेरा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा AC और ये B, और बेस यानी कि BC कितनी है मेरी 3 सेंटीमीटर, AB कितना है मेरा 4 सेंटीमीटर, और आपका थीटा है एंगल ACB। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा sin थीटा एंड cos थीटा। तो आपका यहाँ से tan थीटा कितना निकलेगा बच्चों, tan theta is equals to p upon b, then sin theta is equals to कितना होता है p upon h, then cos theta is equals to कितना कितना b upon h। तो p upon b मतलब 5/3 और ये कितना हो गया 4/5 यस मैम, हो गया बहुत आसानी से। कितना बड़ा क्वेश्चन रहा मैम, आपने ऊपर 5/3 लिया है पी की जगह और नीचे 4 लिया है पी की जगह। ओके, सो मेरा पी 5 नहीं है, ये तो आप ही लोगों ने मुझे बताया था तो मैंने ले लिया था। अब बताओ, आप लोग गलत ही बता रहे हो मुझे, तो ये तो 4 होना चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर हमारा 4 है। अब और एक एक गलती और निकल करके आ सकती है, और कोई गलती हुई है? सारे बच्चे एक बार क्रॉस चेक बराबर किया करेंगे। तो देखिए, जो बच्चे जागरूक है वो ध्यान से देख रहे हैं, अरे यहाँ पे तो 5 है, यहाँ पे कैसे लिख दिया, तुरंत बोल दे रहे हैं, दिस इज वेरी गुड। चलिए, सोना नहीं है, अब हमें जागते रहना है। तो हमने आज बहुत कुछ पढ़ा है कि नहीं, बहुत कुछ पढ़ा। अब क्विज़ देखते हैं, ये देख लीजिए, ये भी उसी तरीके का कुछ कह रहा है हमसे, है कि नहीं। ए, ये आपका ये राइट ट्रायंगल तो है मगर उल्टा करके दे दिया है उसने, तो ये हमारा एच हो जाएगा, ये बी हो जाएगा
और p हमें नहीं पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप पहले क्या करोगे, p निकालोगे, यानी कि आपका bc square is equals to ba square plus ac square. तो आपका ये कितना हो जाएगा, bc कितना है आपका, 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर. तो ac इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 100 माइनस 36 कितना होता है, 64. यानी कि 8. यस, ये 8 है, तो आप सारी वैल्यूज आप लोग निकाल लोगे ना, इसको प्लस कर देना, इसको भी प्रोडक्ट में कर देना, करके देखना आप लोग ये आपसे कैसे होता है. यस मैम. टू कर देना. यस मैम. अब तो क्विज में एक ही क्वेश्चन रखा था, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा हो जाता, ठीक है, आप उसको एक एक पार्ट करके करना. अगर किसी बच्चे से सॉल्व ना हो तो अगले क्लास में वो हाथ उठा के बोलेगा कि मेरे से सॉल्व नहीं हुआ मैम, बता दो. बोलेंगे ना बच्चों? यस. सो आप लोग जरूर बोलना मुझे. अब होमवर्क भी देख लेते हैं, आपको होमवर्क क्या दिया है मैंने, मुझे तो याद नहीं आ रहा क्या दिया था. अच्छा, क्या दिया है मैंने कि एक राइट ट्रायंगल बनाना है, उसमें एंगल ए 90 डिग्री रखना, ए बी इज इक्वल टू 7 और बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, मगर बहुत आसान है. ट्रायंगल बना के आप देखना, बी सी माइनस ए सी और ए बी 7, फिर आप साइन भी निकाल देना, टैन भी निकाल देना. बहुत इजी है, इसको जरूर ट्राई करना आप लोग. अब इसको भी देख लो उसी तरीके से, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर और ये 40 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको भी ट्राई करना. देखो अगर आप सुनिए मेरी बात, सब शांति से सुनिए, अगर मैं आपको क्लास में कराया हुआ जैसा ही क्वेश्चन दे दूं, तुझे मजा नहीं है बच्चों. वही तो किए थे, वही होमवर्क में भी कर रहे हो. होमवर्क में थोड़ा अलग होना चाहिए. और ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बच्चे इससे डर के भागने लगते हैं, अरे अरे ट्रिग्नोमेट्री आ गया, भागो. भागना नहीं है, बहुत ईजी है. इसीलिए तो 9th क्लास में मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन सिखा रही हूँ. होमवर्क क्वेश्चन भी अगर आपसे नहीं होता है तो मुझे सारे बच्चे आके बताएंगे कि मैम नहीं हुआ, हमने ट्राई किया. मगर जो बच्चे ट्राई करेंगे वो नोटबुक में पेन या पेंसिल से ट्राई करेंगे और फोटो खींच के मुझे देंगे. मैं व्हाट्सएप में देखूंगी कि किन्होंने ट्राई किया है. सिर्फ मुंह से झूठ बोलने से नहीं होगा, मैं कैसे मानूंगी कि आपने ट्राई किया, मैं देखूंगी कहाँ पे गलत कर रहे हो, तभी तो बताऊंगी ना. इतना आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए. यस. थर्ड क्वेश्चन भी बहुत इजी आपके लिए, थर्ड भी आप निकालोगे. बस 3 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं और वो आप करके मुझे जरूर बताना. इट इज कंक्लूडेड दैट चाइल्ड हैज स्टडीड अबाउट द, क्या क्या स्टडी किया है आज आपने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस और क्या क्या पढ़ा, फॉर्मूला सब उसी में इंक्लूड हो जाएगा आपका. ओके बच्चों, सो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं. देन हमने आज बहुत पढ़ाई की और अब हम आज जो पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे, है कि नहीं? यस.